मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था फूड एंड डाइजेशन। फूड एंड डाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि हम फूड क्यों खाते हैं, एनर्जी गेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए और खुद को फिट और सेफ रखने के लिए। इसके अलावा जो हम भोजन करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ में हेल्प करते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन्स। ये सब अलग अलग फूड्स के अंदर पाए जाते हैं और ये अलग अलग तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ फूड्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, कुछ फूड्स होते हैं जो हमें हमको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कुछ हमारे हमें प्रोटेक्टिव हमें प्र, कुछ प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फूड्स के बारे में हमने पिछले बार पढ़ा था। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रफेज एंड वाटर, बैलेंस्ड डाइट और डाइजेस्टिव सिस्टम। रफेज फूड भी एक तरह से हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। हम डायरेक्ट जो फूड खाते हैं उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो रफेज फूड होते हैं वो हमारे फूड को, अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने में हमारी बॉडी से हेल्प करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। रफेज, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। रफेज जो होता है यानी रेशेदार, जो गूदेदार जो भोजन होता है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट्स से। मतलब जो फूड होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं उनसे। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सीड्स कंटेन फाइबर। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और सीड्स में, ठीक है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज इज हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्ट फ्रूट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी जो बॉडी है, हमारी जो डाइट है, उसके अंदर ये होना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे जो हम खाते हैं, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो पचता नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के काम आता है। सैलेड गिव अस अ लॉट ऑफ रफेज। जब हम सैलेड खाते हैं, हमारे खाने के अंदर हम सैलेड को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत रफेज होता है, ठीक है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा रफेज मिलता है किनसे, सैलेड से, फ्रूट से, ओके। तो हमें इनको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इसके बाद है वाटर। हमारी जो पूरी बॉडी है वो 3/4 उसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर है। द 3/4 ऑफ बॉडी वेट इज वाटर। हमारी जो पूरी बॉडी का वेट है वो 3/4 क्या है, वाटर से बना हुआ है। इट हेल्प द बॉडी टू डिजॉल्व, डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व द फूड। जो हम भोजन करते हैं उसको डिजॉल्व करने में, उसको पचाने में, उसको अब्जॉर्व करने के अंदर फूड को बहुत जरूरी होता है। इट हेल्प द रिमूविंग आवर बॉडी वेस्ट थ्रू द स्वीट्स एंड यूरिन। और जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको किसके थ्रू बाहर निकालता है, स्वेट, यानी कि पसीने और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो। वी शुड ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। और हमें दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, जो डाइट हम खाते हैं पूरे दिन में वो हमारी डाइट होती है, लेकिन वो जो डाइट है उसके अंदर हमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशंस, रफेज और वाटर होना ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास, जैसे हमने हमारे भोजन में दाल, सब्जी, हरी सब्जी, सलाद, चावल, ठीक है, और बटर मिल्क वगैरह होना चाहिए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो अपने भोजन के अंदर नॉन वेज फूड भी यूज़ कर सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी, रायता, दही, ठीक है, दाल वगैरह शामिल करना चाहिए, जो कि कंप्लीट डाइट फूड होता है, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट के अंदर जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, वो फूड हमको खाना चाहिए। तो अगर हम बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, अ डाइट दैट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। जो हमारे पूरे खाने में, जो हमारा जो भोजन होता है उसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर जो हमारे लिए हेल्थ के लिए रिक्वायर है, वो होना बैलेंस डाइट कहलाता है, ओके। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन गिव एनर्जी, इनमें से कौन से विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। फैट से हमें एनर्जी मिलती है, हमने पढ़ा था पहले। फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड, जिनमें विटामिन्स होता है वो क्या कहते हैं, वो फूड क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। विटामिन्स किस में होता है, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में होता है। इसके बाद है डैश हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, कौन सी चीज़ हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने, बाहर निकालने के काम आती है, रफेज। रफेज हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर करने में। इसके बाद आता है डाइजेशन, जो हम भोजन खाते हैं क्या डायरेक्ट उससे हमको एनर्जी मिलती है, हमने खाना खाया और हमारे में ताकत आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस होता है, जो हम भोजन खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और उससे जो लिक्विड बनता है वो हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड बन के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो क्या होता है डाइजेशन, डाइजेशंस वो अभी हम यहाँ पे समझते हैं। द फूड दैट वी ईट डज नॉट गिव एनर्जी डायरेक्टली टू आवर बॉडी, इट गिव एनर्जी आफ्टर डाइजेशन, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी को नहीं लगता है, वो डाइजेशन के बाद होता है। डाइजेशन, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस दैट आर ऑब्जर्व बाय द बॉडी, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं उसको वो ब्रोकन डाउन करता है, मतलब उसको टुकड़े करता है, उसको तोड़ता है, सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, उसके थ्रू जो भी प्रोसेस होता है उससे डाइजेशन होता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ऑफ द टू द फूड इन आवर बॉडी, अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो हम भोजन करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, वो कैसे पचता है। ओके, तो चलिए ये देखिए, आप सब अपनी बुक खोलिए, इसके अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं ह्यूमंस का। ओके, हम खाना खाते हैं किसके थ्रू खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने मुंह में खाना डाला और उस वहीं से हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैसे होता है, सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, हमारे मुंह के अंदर, और मुंह के अंदर जो हमारे टीथ्स हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, जब हम आप खाना मुंह में डालते हैं तो क्या करते हो, सबसे पहले दांतों से चबाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीथ से हमारे जो भी फूड है उसको चबाते हैं, उसको तोड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं, मतलब पीसते हैं। ठीक है, आप खाते हो चबा चबा के, और हमें चबा चबा के ही खाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो किससे मिल जाता है, सलाइवा से। जो हम खाना खाते हैं तो लार, जो हमारे मुंह में लार होती है वो भोजन के साथ मिक्स हो जाती है, ये बहुत जरूरी है सलाइवा का बनना। दिस फूड मिक्स विद द सलाइवा प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्रैंड, ये जो सलाइवा है वो हमारे मुंह के अंदर एक सलाइवरी ग्रैंड होता है, वहां से बनती है। ओके, सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च ऑफ फूड इंटू स्मॉल शुगर एंड ऑल्सो मेक द फूड सॉफ्ट, ये जो सलाइवा है वो क्या करती है, जो हमारे फूड है उसमें स्टार्च और शुगर को क्या करती है, मिलाकर के क्या करती है, हमारे मुंह में स्टार्च और शुगर जो बनता है उससे क्या करती है, फूड को सॉफ्ट कर देती है। जो भी हमने डाला सलाइवा के कारण वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने से उसमें स्टार्च और स्टार्च जो मिला, जिसे शुगर बनी और स्टार्च बना, और उसने हमारे फूड को क्या कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। उसके बाद ये जो देखिए यहाँ से हमारे मुंह में गया सलाइवरी ग्रैंड से, इस यहाँ पे हमने उसको ब्रेक किया। इसके बाद होता है एक नली होती है हमारे मुंह से कनेक्टेड, एक नली होती है जिसको बोला जाता है फूड पाइप या ओसोफेगस। ठीक है, इस फूड पाइप के थ्रू खाना नीचे उतरता है, जो कहाँ जाके पहुँचता है, स्टमक में। कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। देखिए, फूड पास थ्रू द फूड पाइप टू रीच द स्टमक, यहाँ से ये पास होता हुआ कहाँ पहुँचा, ये है स्टमक, बहुत छोटा सा होता है देखने में। ठीक है, इट इज लाइक अ मस्क्यूलर बैग इन विच फूड इज कर्न इन अ मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूस, ये एक पाउच जैसा होता है, एक थैली जैसा होता है, यहाँ जाकर के जो भी हमारा फूड है जो हमने चबाया है वो कहाँ चला जाता है, इस स्टमक में चला जाता है, जो कि एक मस्क्यूलर बैग होता है। इसमें पहुंचने के बाद यहाँ इस
हमारा जो स्टमक है उसमें डाइजेस्टिव जूस होता है, ये डाइजेस्टिव जूस क्या करती है, उस फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करती है, सिंपल सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म में उसको बदलना शुरू कर देती है। ठीक है, अब यहाँ से तो ये हो गया प्रोसेस। अब ये जो लीवर है, लीवर ये क्या कहलाता है, ये लीवर कहलाता है। इसका क्या काम होता है, जो यहाँ पर स्टमक में जो फूड लिक्विड फॉर्म में बना उसमें से क्या करेगा, लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको बोला जाता है बाइल जूस। क्या बोला जाता है इसको, बाइल जूस। ये हमारा जो फैट है, जो हमारे भोजन में जो भी फैट आया है, जो हम भोजन करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, तो उसमें से जो फैट वाला जो न्यूट्रिएंट है उसको क्या करता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में भेज देता है। यानी यहाँ से छाना, हमने जैसे छलनी में हम छानते हैं जूस को, तो जूस अलग हो जाता है, बाकी का जो मोटा गूदा वो होता है वो अलग हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर इसमें क्या हुआ, लीवर ने क्या किया, जो हमारे भोजन के साथ फैट आया है उसको स्मॉल इंस्टेंटाइन में भेज दिया जाता है। इसके बाद यहाँ होती है पैनक्रियास। लीवर और पैनक्रियास का काम होता है जो भी हमारे साथ हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट आए हैं उनको सेपरेट करना। ठीक है, पैनक्रियास क्या करते हैं, जो एक जूस प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर भी एक जूस प्रोड्यूस होता है जो कि हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो फैट प्रोटीन होता है, इनको भी ये इसके थ्रू स्मॉल इंस्टेंटाइन में भेजने का। ठीक है, इसके बाद आती है स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्मॉल इंस्टेंटाइन कहने को तो स्मॉल है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, एक पाइप के समान, एक ट्यूब के समान होती है। जैसे आपने पाइप देखा है हमारे घरों में, जो नल का पाइप होता है, वैसे ही बहुत पतली पाइप होती है और बहुत लंबी होती है, लंबाई में ये बहुत कई मीटर लंबी होती है। ठीक है, इट इज़ लाइक अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट प्रोड्यूस सम डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पर भी कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है। द प्रोसेस डाइजेशन कम्प्लीट हियर, यहाँ पे हमारा पूरा कम्प्लीट डाइजेशन हो जाता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंस्टेंटाइन हैव ब्लड वेसल्स दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड एंड टेक इट ऑल ओवर बॉडी पार्ट। यहाँ पर जो हमारी जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है, इसकी जो वॉल्स हैं, यहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। जो भी हमने खाना खाया है या जो भी हमने किया है, लीवर और प्रोड्यूस पैनक्रियाज ने जो डाइजेस्ट किया है वो स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाकर के मिक्स होता है और ये ब्लड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड बन जाता है इनका। ये जो ब्लड बना है, ये स्मॉल इंस्टेंटाइन से हमारे पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, उनके थ्रू ये जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। लार्ज इंस्टेंटाइन इट होल्ड द अनडाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इट फॉर्म ऑफ फिक्सेस सेमी सॉलिड वेस्ट। जैसा मैंने बताया था, जब हम जूस बनाते हैं तो जूस तो हम पीने के काम में ले लेते हैं, उसके बाद जो गूदा होता है उसको हम छान के अलग कर देते हैं। सेम प्रोसेस होता है लार्ज इंस्टेंटाइन्स का। जो भी लिक्विड है, जो भी लिक्विड जूस जो भी था, या डाइजेस्टिव जूस जो भी बना, वो स्मॉल इंस्टेंटाइन में आ चुका था। उसके बाद जो लार्ज इंस्टेंटाइन है, ये लार्ज नाम इसका लार्ज इंस्टेंटाइन है, लेकिन ये स्मॉल होती है लंबाई के अंदर। ये जो भी अनडाइजेस्ट फूड है, यानी जो भी एक्स्ट्रा जो फूड बचा है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लेती है और एनस के थ्रू जो भी हमारा अनडाइजेस्ट और सेमी सॉलिड वेस्ट है वो पास हो जाता है थ्रू स्टूल के। नेक्स्ट जब हम फ्रेश वगैरह करते हैं तब ये स्टूल के थ्रू बाहर आता है, एज अ यूरिन के थ्रू वेस्ट वाटर बाहर आ जाता है, और जो भी सेमी सॉलिड है वो स्टूल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लिया अच्छे से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है जंक फूड। क्या आप लोग जंक फूड खाते हैं? क्या होता है जंक फूड, क्या होता है पहले आप बता सकते हैं, जंक फूड होता क्या है, क्या होता है? ऐसे फूड जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। सम फूड आइटम लाइक अ फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, केक्स एंड पिज्जा आर टेस्टी बट अनहेल्दी फॉर अस। समझ गए होंगे आप मैं क्या बात कर रही हूँ। पिज्जा, जो भी हम बर्गर, पिज्जा, मैगी, चाउमीन, ये सब चीज़ें खाते हैं, ये सब जंक फूड होता है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। ये हमें टेस्टी जरूर लगते हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। दे आर कॉल्ड जंक फूड।
दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैट एंड शुगर. इन फूड्स के अंदर बहुत सारा फैट और शुगर होता है. सो वी शुड अवॉइड जंक फूड. तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे. इसके जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो मैं ये फूड हैबिट और ये कुकिंग फूड और गुड ईटिंग हैबिट्स तक ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी. गुड ईटिंग हैबिट फॉर प्रोटीन प्रॉपर डाइजेशन. हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो क्या करती हैं, डाइजेशन को प्रॉपर करती हैं. ठीक है, अगर हम हमारी खाने की आदतें अच्छी नहीं होगी तो हमारा डाइजेशन बिगड़ जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे. तो डाइजेशन के अंदर सबसे जरूरी है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट है, हमारी खाने की आदतें हैं, उनको हम सुधारें. ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्रेजेंट एनवायरमेंट. यानी जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत उस जगह का एनवायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और मतलब खुशनुमा माहौल होना चाहिए. अगर हम गुस्सा करके खाएंगे तो वो कभी हमारी बॉडी को नहीं लगेगा. ईट अ बैलेंस डाइट. हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स जिस भोजन में हो हमें ऐसी बैलेंस डाइट को लेना चाहिए. ईट एट रेगुलर इंटरवल. और हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए, यानी कि एक बार बैठ गया और एक बार खा लिया नहीं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमको कुछ ना कुछ खाना चाहिए. ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड. साफ सुथरा मतलब साफ खाना खाना चाहिए और फ्रेश खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, पुराना बासी नहीं खाना चाहिए और जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. च्यू द फूड वेल बिफोर स्वॉलोइंग. जब आप खाना निगल रहे हो, स्वॉलोइंग का मतलब होता है खाने को निगलना, उससे पहले हमें अच्छे से दांतों से चबा चबा करके भोजन को करना चाहिए. ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. अवॉइड ओवर ईटिंग. खाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें खाना चाहिए और ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग भी हमें नहीं करनी चाहिए. यानी खाते जा रहे कोई लिमिट नहीं है तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए. कुकिंग फूड. अब भोजन बनाना कैसे चाहिए. अदर देन फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल मोस्ट ऑफ द फूड आइटम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. जो हम खाना खा रहे हैं ये जरूरी है, सब्जी और वेजिटेबल और फ्रूट्स तो जरूरी है, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पका होना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए. फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग. फूड को उबाल करके जो भी हम खाना खाना चाहिए वो उबला होना चाहिए, बॉयल होना चाहिए. फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग और स्टीमिंग. या तो वो बॉयल हो या फ्राई किया हुआ या रोस्ट सिका हुआ हो, बेक किया हुआ हो या स्टीमिंग में बना हुआ हो. वी कुक फूड बिकॉज इट मेक द फूड मोर टेस्टी. हम खाने को पका के क्यों खाते हैं, क्योंकि वो खाने में क्या हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है. मेक द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. हम पका के खाएंगे तो फूड कैसा होगा, सॉफ्ट होगा और हमारे को डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा. किल जम्स प्रेजेंट इन द फूड. और जो भी फूड के अंदर जम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. ठीक है, समझ गए आप लोग. तो क्वेश्चंस करते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड फाइनली कंप्लीट इन, कहाँ कंप्लीट होता है, लार्ज स्मॉल इंस्टेंटाइन में. जंक फूड कंटेन अ लॉट ऑफ फैट होता है. ठीक है, कुकिंग मेक आवर फूड कैसा बनाती है, हमको पका हुआ खाना हमारे भोजन को कैसा बनाती है, टेस्टी, टेस्टलेस या सौरो टेस्टी. ठीक है, तो ये आप बुक में करेंगे. बाकी का जो भी रिमेनिंग है, लास्ट जो है ये, और हम क्वेश्चन आंसर लास्ट के वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.